राम राम जी सारे ना होपुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में मैं बता दूं कि भाई जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो ये पूछ रहे थे कि भाई जो आपके कॉलेज के एडमिशन है वो कब शुरू होंगे, क्योंकि शुरू में जो DHC की जो मतलब नोटिस आया था उसमें ये बताया गया था कि आपके एडमिशन 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि टेक्निकल इश्यू की वजह से भाई आपका जो पोर्टल था वो ना खुला और आपके एडमिशन पोस्टपोन कर दिए गए थे, जो कि 16 अगस्त को कर दिए गए थे। ठीक है, आज दोपहर तक भी भाई वो पोर्टल ना खुला था, लेकिन ई पोर्टल खुल गया है। ठीक है, तो ई पोर्टल खुल चुका है भाई, DHC का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर आप मतलब एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ तक अपना भाई मतलब डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाएगी। कई बार पूछेंगे वेबसाइट का लिंक दे दो, तो भाई मैं डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दूंगा। और भाई आपने नहीं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल अपलोड करने हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि भाई हमारा जो मतलब जो 12th की मार्कशीट है वो नहीं आई है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करें। तो भाई आपको उसके लिए एक बार कॉल आपके जो स्कूल है उसमें कंसल्ट कर ले कि आपकी जो मार्कशीट है वो आ चुकी है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आपका जो मतलब रिजल्ट की फोटोकॉपी वो चल जाएगी, उसके ऊपर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपका रोल नंबर है उसी के मतलब बेस पर आपकी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो जाएगी। और एक ज़रूरी बात भाई, आपने जब आप मतलब फॉर्म अप्लाई करवाने जाओ तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप पहली बात तो कैफे से अप्लाई करियो, क्योंकि खुद भाई कुछ ना कुछ गलती सी हो जाएगा जो फिर नहीं है पूरी ग्रेजुएशन आपने दिक्कत देवेगी। तो वह 50-100 रुपये का लालच ना करियो, अपने जाकर ना और कैफे पे जाकर और अपना फॉर्म भर दियो। ठीक है, और एक मेन बात बता दो भाई आपने मैं कि आप नहीं है अपना जो मतलब एक तो व्हाट्सअप नंबर वो दियो जो आपका चल रहा हो। ठीक है, खुद का व्हाट्सअप नंबर दियो, कैफे वाला का ना भरवाइयो। ठीक है, जीमेल आईडी है वो अगर नहीं बनाई है तो बना लो, और भाई वाई जीमेल आईडी दियो ताकि भाई अगर जो आपके फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे तो वो आपके मतलब उसमें वॉय रहेगी, नहीं तो भाई कोई भी अगर लिंक आया या कोई भी और चीज़ कुछ आई तो वो भाई मतलब आपका जो कैफे वाला उसके पास आपका लिंक जाएगा, आपकी डिटेल कैफे वाला के पास जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। और आप अपने जो मतलब रिजल्ट वगैरह या फिर फॉर्म वगैरह या ऑनलाइन क्लासेज से मतलब रह जाओगे उसके बाद भाई फिर वो है। तो मैं यह बताना चाहूँगा भाई आप अपना मतलब एक तो जो फ़ोन नंबर है वो एक्टिव फ़ोन नंबर दियो। ठीक है, जीमेल आईडी दियो और अपने भाई जो मतलब करंट के सिग्नेचर दियो और जो मतलब रिसेंटली कोई आपका फ़ोटो है ना वो फ़ोटो दियो भाई, क्योंकि आगे भाई दिक्कत ना होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल की हो तो 3 साल में आदमी बदल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भाई आप मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखियो और मतलब एक एक चीज़ बारी की तब भरवाइयो भाई, दोहरे बैठ कर नहीं होना है कि भाई आप मतलब कागज़ दिया है वो आप भर देगा। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो उसके तो आप मतलब दोहरे बैठ कर ना और अपना फॉर्म भरवा लियो। तो भाई आज की वीडियो में यही बताना था, वो पूरी वीडियो ठीक ठाक लग गई होगी तो भाई अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाकर आप लॉगिन कर सको, अप्लाई कर सको। ठीक है, तो मिलते जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।